कुछ समझ नहीं रहा कहाँ पर हूँ कहाँ पर हूँ भाई। हम मौत के हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो गाइस, आपको पता होगा कि हमने आज भी रात का सुबह स्टार्ट किया है और इसका मेन रीज़न ये है कि आज हमने एक शॉर्ट ट्रिप बनाया है कॉलेज की तरफ से और आज हम जाएंगे अम्ब्रेला वाटरफॉल अपने दोस्त से, अपने कॉलेज क्लासमेट से, तो और आपको दिखाएंगे सब कुछ। आप हमारे सारा व्लॉग भी देखें। तो मेरे साथ फ्रेंड लोग हैं, मेहरान है, अबू बकर साहब है, तारिक है, वसीउल्लाह है, हमाद है और बेज है। तो ये भी आपको कुछ कहेंगे। मेहरान भाई, आप कुछ कहें फॉलोअर फेसबुक? यही बात है कि आप हमारा पूरा व्लॉग देखें, इंशाल्लाह एंजॉय करेगा। हम अच्छे अच्छे केस बनाएंगे, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। लेट्स गो जब तक मैं जिंदा हूँ ना, पेमेंट की कोई टेंशन ना ले। रास्ते में भी करो, रास्ते में इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन पॉइंट होते हैं अगर कुछ दवाई वाला बन। आप काइंडली रिव्यू बताएं कि स्कैन का ट्रिप कैसा होता है, मज़ा होता है या सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है? नहीं यार, हर बंदा जो है ना वो सिर्फ लड़कियों के पीछे आता है, ठीक है, और उनका ये नहीं हुई मतलब मेरे हिसाब से ना अगर ट्रिप लगानी है कॉलेज में तो लड़की वाली बिल्कुल मजा नहीं आती, क्योंकि उनके साथ ना इंसान वो जो लड़कों वाली अब थी जो वो फीलिंग थी वो बिल्कुल में थे, वो सारे लड़के ना वो लड़कियों के पीछे लगे हुए थे, लड़कों का अपना मजा ही नहीं होता। और ये आप और ये खूबी आपके आप में बिल्कुल नहीं है ना, लड़की के पीछे भागना। मेरे मतलब मेरा अंदर ये होगा कि मैं लड़की के पीछे। मेरा नाम समझ जैन, मैं यहाँ सीए का स्टूडेंट हूँ केफ का। अच्छा। और मैंने यहाँ से तकरीबन 4-5 टूर तो किए होंगे, लेकिन जिस तरह हम यहाँ पर टूर के लिए जाते थे तो हम पहले ये डिसाइड करते थे हमने जाना कहाँ पर है, उसके बाद हम टाइम डिसाइड करते थे, ड्यूरेशन डिसाइड करते थे, उसके बाद ही हम प्लान बनाते थे। ना टीचर ने कहा भी 6 बजे, अभी बज भी 7 बजे रहे। अच्छा। और उसके बाद क्या होगा अल्लाह जाने। तो 18 घंटे वेट करने के बाद फाइनली कोस्टर पहुंच गया। तो अभी हम अपने सफर का हास करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए और किला को पूरा एंजॉय करें। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए और काफी सफर के बाद हम फाइनली पहुंच गए। अभी हमने चेंजिंग किया, नमाज पढ़ा, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना हाइकिंग। तो सोने को अभी हम फाइनली पहुंच गए, अभी हम पहुंच गए, तो अभी हम हाइकिंग भी करेंगे तो और स्विमिंग करेंगे इंशाल्लाह और बाकी पौधे लगाएंगे। तो यहाँ का माहौल, अब हवा यार क्या लेवल है, बिल्कुल जा रहा है और अम्ब्रेला वाटरफॉल्स और बहुत हाइकिंग है। तो अभी हम पैदल पे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है
काफी खतरनाक रास्ता है यार, काफी खतरनाक, मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। वाह जी वाह, बकर साहब अभी हम हाइकिंग कर रहे हैं, अभी हम हाइकिंग कर रहे हैं गाइस, और आप लोग ये देख सकते हैं कि कितना खतरनाक जगह है अम्ब्रेला वाटरफॉल। यार यह्या आप क्या फील कर रहे हो यार ये तो बहुत मजे का सीन है, लेकिन रास्ता किस तरह है? रास्ता यार बहुत ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक रास्ता है, आपने सब कुछ सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो गाइस बहुत खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। Two hours later. Finally, हम पहुंच गए, काफी थक चुके हैं और काफी खतरनाक हाइकिंग था, और फाइनली यार पहुंच गए, तो अभी हम आपको वाटरफॉल दिखाएंगे और स्विमिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और आप हमारे यार मैं सबको ही सजेस्ट करता हूँ जो कहते हैं कि हमें इस मौसम में जाना चाहिए जो बहुत गर्मी है, तो मैं कहना चाहता हूँ इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। यार कसम से यार नहीं चल सकता गाइस, उफ कुछ नहीं कर सकता यार, नेवर गिव अप। अरे कहना क्या चाहते हो गाइस, बहुत खतरनाक हाइकिंग है यार, बहुत कसम से मरीज नहीं चल सकता, लेकिन थोड़ा वेट करे सही मजा बस उतरेगा गाइस, बहुत खतरनाक हाइकिंग है, जिंदगी में मैंने कभी नहीं इस तरह देखा था, लेकिन ये मेरा पहला और आखिरी मतलब इस जगह को सफर था। भाई एक घंटे के बाद हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए, कुछ बताओ, बिल्कुल रुक नहीं पाता यार, मेरा दिल की धड़कन खत्म हो गया, सांस नहीं है मेरे, ये जवानों का खेल है, बिल्कुल बूढ़ो का। ये देखो गाइस इतना पानी बच गया है और सफर अभी तक बाकी है,
मुझे नहीं लगता कि मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो फाइनली हम पहुंच गए और एक घंटे हाइकिंग के बाद हालत कैसा है अब? हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं तो काइंडली यहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, लेकिन इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि एक लिफ्ट बनाए, लिफ्ट IMF से कर्ज ले ले, लेकिन पाकिस्तान खुद भी कर्जे में डूब गए, तो चाहिए कि यार एक लिफ्ट बना ले लोगों के लिए आसानी के लिए। पहुँच गया, ये खराब हो गया था, बेहोश हो गया था। हालत कैसा है अब? बंजारे रोड का वीडियो होना जी, कुछ समझ नहीं रहा कहां पर यार, सबके हालात बहुत खराब है। हाइक ज्यादा मुश्किल सफर था ना, इतनी ज्यादा मुश्किल जिंदगी में असल में जी। ओ इतना हम दे रहे ना, इतने ज्यादा पाओ में काम नहीं कर रहे तो बंदे के हालात खराब है यार, हालात सबके बहुत खराब है गाइस, बहुत लंबा सफर था। 2 hours later मैं इसका टेस्ट देख रहा हूँ, टेस्ट किस तरह टेस्ट है इसका, इसका बहुत जबरदस्त है। तो फाइनली हम पहुंच गए और हमने काफ़ी इंजॉय किया, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आप काइंडली कुछ बताएं, ट्रिप कैसा था? अच्छा ट्रिप रहा, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बस अभी पहुंचे, अभी हॉस्टल जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर बस आप ऐसा करें चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ, थैंक यू। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई हो। तो अल्लाह हाफिज़।